हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक जर्नी स्टार्ट की है जिसमें आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। क्या बेटा? रीजनिंग। और ये आपकी रीजनिंग की सेकंड क्लास है। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास आपको यूट्यूब के माध्यम से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी फ्री। आपका बेटा एक ही हिसाब से ये हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब हमने फर्स्ट क्लास में इसमें इसका सिलेबस भी देख लिया था और एक दो क्वेश्चन भी कर लिए थे ना, तो फिर से आपको बता दें, ये जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है किस किस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई कराएगी। तो बेटा एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, स्टेट लेवल एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम आपका कोई भी हो, ये जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है सारे एग्जाम को टाई करके एनालिसिस किया गया है और सारे एग्जाम को आपको क्वालिफाई कराएगी। इवन मैं यूपीएससी सीसेट की भी बात करूं, देखिए तो यूपीएससी एसएससी का बेटा कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंक, स्टेट लेवल एंड अदर गवर्नमेंट आपका एग्जाम कोई भी हो, सारे एग्जाम को टारगेट करके आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये तो डाउट क्लियर हो गया ना कि किस किस एग्जाम को टारगेट करके पढ़ेंगे हम। इसके बाद बेटा इसका सिलेबस देख लेते हैं हम, रीजनिंग का सिलेबस। तो आप देखिए रीजनिंग के सिलेबस के चैप्टर के नेम लिखे, 20 चैप्टर बेटा आपके इधर हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके कितने चैप्टर हो गए? 36 चैप्टर। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आपके नॉन वर्बल में 10 चैप्टर और आ जाते हैं, नॉन वर्बल में 10 चैप्टर आपके और आ जाते हैं। तो टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है आपकी बेटा? 46, 46 चैप्टर। आपको इन पूरे के पूरे 46 चैप्टर की जानकारी मिलेगी बिल्कुल फ्री यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद बेटा हम आपको ये बता दें कि आपकी जो रीजनिंग की अगर बात करें तो ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपका दो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक आपका बेटा कौन सा पैटर्न हो गया? एसएससी पैटर्न, एंड सेकंड है आपका बैंक। क्या बेटा? मैंने कहा कि आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है रीजनिंग की बात करें तो दो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एसएससी और बैंक, ठीक है। हम आपको एसएससी को टारगेट करके पढ़ाएंगे। किसको? एसएससी को टारगेट करके पढ़ाएंगे। तो ऑलरेडी बैंक के चैप्टर, बैंक का सिलेबस आपका एसएससी में सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद टोटल चैप्टर कितने बेटा? 46 चैप्टर। हमने फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग भी कर दी थी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर की, कुछ बेसिक्स देख भी लिया था इसमें, दिशा और दूरी चैप्टर। तो और इस नेक्स्ट चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड भी बेटा अपना हो गया था, थर्ड भी हो गया था। इसके बाद फाइनली पहुंच गए हम फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे देखिए, फोर्थ नंबर और टाइप वाइज आपका बिल्कुल सिलेबस चलेगा, ठीक है। पेशेंस बना के रखिएगा। कोई बच्चा अगर सेकंड क्लास देख रहा है तो ऐसी गलती ना करें, आपको सीरियल से क्लासेस को देखना है, वरना आपको क्वेश्चन करेंगे तो करने में मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि आप जब बेसिक क्लास ही आप नहीं ढंग से देखेंगे तो क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो सीक्वेंस से आपको सारी क्लासेस देखना है। इसके बाद फोर्थ नंबर देखिए, टाइप नंबर आपका फर्स्ट चल रहा है बेटा, ठीक है, टाइप फर्स्ट चल रहा है। हर टाइप में आपको लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए क्या लिखा गया, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इससे पहले कुछ बेसिक जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर में आपको ये बात बेटा याद रखनी है कि एक राइट बराबर बोलने का बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री क्लॉक वाइज होता है, एक लेफ्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, करेक्ट। पूरे के पूरे चैप्टर में बेटा ये चीज आपको बिल्कुल बार बार रिमाइंड करके याद रखनी है। इसके बाद कुछ बेसिक क्लू भी आपने देखे थे इसमें, कुछ बेसिक क्लू भी आपने देखे थे, वो क्या क्लू थे देखिए, वन राइट का मतलब क्या था बेटा, थ्री लेफ्ट, या थ्री लेफ्ट का मतलब वन राइट, करेक्ट। एज अ सिमिलरली वन लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वन लेफ्ट का मतलब हो जाएगा थ्री राइट, करेक्ट। इसके बाद टू राइट का मतलब होता है बेटा टू लेफ्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, क्या, अपोजिट डायरेक्शन। इसी प्रकार
थ्री राइट के मतलब क्या हो जाएगा? थ्री राइट के मतलब होता है बेटा, या आप थ्री राइट घूम के जाइए या वन लेफ्ट घूम जाइए, ठीक है, आप सेम डायरेक्शन पे ही पहुंचेंगे। थ्री राइट का मतलब होता है वन लेफ्ट, और थ्री लेफ्ट का मतलब हो जाएगा वन राइट, करेक्ट। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, फोर राइट। फोर राइट का मतलब बेटा होता है सेम डायरेक्शन, क्या सेम डायरेक्शन, मतलब जीरो, जिस डायरेक्शन में था अंततः घूम के उसको उसी डायरेक्शन में आना पड़ा। और फोर लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सेम डायरेक्शन, इसका भी सेम डायरेक्शन, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जीरो, करेक्ट। इतना बेसिक हमने अभी तक बिल्कुल तैयार कर लिया है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी देख लिया था, ठीक है, आपने मेरी रोटेशन करा के भी दिखा दे देख ली थी। हाँ चलिए, अब बेटा बात आती है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन के स्टार्टिंग की जाए, और क्या इसके नखरे हैं वो भी इसको देखते हैं, ठीक है। चलो, इतना अभी तक बेसिक आपने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर से मैं कहूँगा, कोई बच्चा अगर सेकेंड क्लास में आया है तो ऐसी गलती ना करे, पहले आपको फर्स्ट क्लास देखनी है, फिर उसके बाद सीक्वेंस वाइज सीरियल आपको क्लासेस को फॉलो करना है। चलिए, ये तो था बेटा आपका बेसिक, जो आपने विद प्रूफ आपने सीख लिया है। अब फाइनली फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, यहाँ से अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, नॉर्थ वेस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? नॉर्थ का मतलब बेटा होता है ऊपर जा रहा है, वेस्ट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, करेक्ट। तो इसका एक्यूरेट ग्राफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ का मतलब ऊपर और वेस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का, करेक्ट। ऐसा ही आप मुझे बताइए नॉर्थ ईस्ट का ग्राफ क्या होगा, नॉर्थ का मतलब क्या हो गया बेटा ऊपर जा रहा, ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड पे, तो ये नॉर्थ ईस्ट का ग्राफ यूं हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट। ऐसा ही आप मुझे बताइए कि साउथ ईस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, साउथ का मतलब बेटा हो गया बाय डिफॉल्ट कहने का मतलब नीचे, ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड पे, तो साउथ का मतलब नीचे, ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड पे, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट का ग्राफ, करेक्ट। इसके बाद एक और बता दीजिए मुझे आप, साउथ वेस्ट का ग्राफ, साउथ का मतलब बेटा हो गया नीचे जा रहा, वेस्ट का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यू, ये वाला ग्राफ हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? और ये तो आप जानते ही हैं, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट किसी का नॉर्थ नहीं होता, आप एज्यूम करते हैं नॉर्थ आपका ऊपर ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका राइट हैंड साइड पे लेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, ईस्ट, करेक्ट। कोई व्यक्ति अगर साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो साउथ का एज्यूम करेंगे हम बाय डिफॉल्ट वो नीचे जा रहा है, क्या, साउथ। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे और इसको बोलेंगे क्या, वेस्ट। ये बेटा आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, क्लू थे, जो आपने विद प्रूफ आपने देख लिया, फिर से मैंने आपको रिपीट करके बता दिया। अब आपकी बारी आती है कि क्वेश्चन को करने की, कंसेप्ट समझ लें बेटा अच्छे से, इसके बाद एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, करेक्ट। चलिए, ओके भाई, इतनी बात तो हो गई अपनी बेसिक वाली। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको बेटा, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, हाँ नॉर्थ वेस्ट, और आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट, आप इसको पूरा नहीं लिखेंगे ऐसे नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ इसको आप पूरा नहीं लिखेंगे, जैसे वेस्ट है तो आपको वेस्ट पूरा मीनिंग नहीं लिखनी है, आपको केवल कैपिटल डब्ल्यू बना देना है तो संबोधित करेगा वेस्ट लिखा है आपने, कैपिटल एन बना देना है तो ये संबोधित करेगा एन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, करेक्ट। तो आपको बड़ी पूरी मीनिंग नहीं लिखनी है, इसके कैपिटल लेटर से लिख दें तो आपको नॉर्थ हो जाएगा, एन का मतलब नॉर्थ, ईस्ट का मतलब ई का मतलब ईस्ट, एस का मतलब साउथ, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन, करेक्ट। अब बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने का तरीका आजमाते हैं, जितना कुछ आपने पढ़ा उस बेस में, नॉर्थ वेस्ट, चलिए नॉर्थ वेस्ट, इसके बाद इसके नखरे क्या है देख लेते हैं। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर, जब बेटा ये टाइप वन चल रहा है, और मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि जब आपसे
नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग एंड फेसिंग, जब व्यक्ति की अंत में डायरेक्शन पूछी जाए कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तब आपको चलने वाले डेटा को काउंट नहीं करना है, करेक्ट। चलिए, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट आफ्टर वॉकिंग 80 meters, ठीक है। इसके बाद बेटा ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वह बेटा एक राइट लेता है, वन राइट, एंड वॉकिंग 40 meters। डेटा काउंट नहीं करना है कि कितना चल रहा है, जब आपसे केवल फेस की डायरेक्शन पूछे या मूविंग की डायरेक्शन पूछे। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह बेटा एक लेफ्ट लेता है, एंड वॉकिंग 30 meters। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वन लेफ्ट लेता है, एंड वॉकिंग 30 meters। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से बेटा वह वन राइट लेता है और वॉक करता है कितना, 50 meters। फाइनली अंत में वह, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वह बेटा एक राइट लेता है और राइट लेने के बाद वॉक करता है कितना, 40 meters। नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। हिंदी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, उत्तर पश्चिम चला दिया, 80 meters चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर बेटा मुड़ता है, मुड़ा दिया, और 40 meters चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ा दिया, और 30 meters चलता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ा दिया, और 30 meters चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बेटा वन राइट लेता है, चला दिया राइट, और 50 meters चलता है, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, फिर से वह दाईं ओर मुड़ा फाइनली, और 40 meters चलता है। तो अब पूछा गया है क्या, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है बेटा, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, टाइप वन का क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है बेटा, क्या लेफ्ट राइट को आपस में काउंट करो, दोनों को आपस में कट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, वन राइट से वन लेफ्ट कट जाता है, वन राइट से वन लेफ्ट गया, तो बचा क्या आपके पास, राइट। जब आपका राइट बचा तो बेटा नॉर्थ वेस्ट का वन राइट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, नॉर्थ वेस्ट का ग्राफ क्या बनाया था अभी आपने। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, बाई डिफॉल्ट ऊपर जा रहा, वेस्ट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहा है, तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, नॉर्थ वेस्ट का। अब बेटा नॉर्थ वेस्ट का वन राइट लेना है, नॉर्थ वेस्ट का वन राइट बाय डिफॉल्ट मोड़ने का मतलब क्या हुआ, उसका 90 degrees क्लॉकवाइज, करेक्ट। देखिए, अब देखिए, किसी कोई बच्चा होगा दो आंसर देगा, ठीक है। एक बच्चा होगा, मतलब कि बच्चे जो आंसर देंगे ना, दो आंसर निकलेंगे इसको, देखो अब बस करेक्ट कौन सा आप ये देखना है यहाँ पे। वन राइट, वन राइट का मतलब क्या, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का आपका ग्राफ ये बनाया। अब ये बताइए, इसका फाइनली वो यहाँ पे पहुँचेगा या यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी ने नॉर्थ वेस्ट का वन राइट कह के, नॉर्थ वेस्ट का वन राइट कह के, नॉर्थ वेस्ट आप कहिए, अगर नॉर्थ में केवल आंसर दिया है तो वो बेटा उसका रॉन्ग है, फाइनली वो कहाँ पहुँचेगा, क्योंकि अगर आपने नॉर्थ आंसर दिया है तो आपने केवल इसको 45 degrees चलाया है, हाँ, और आया क्या आपका वन राइट। वन राइट का मतलब आपको पूरा 90 degrees क्लॉकवाइज चलाना है बेटा, तो अभी तो आपने 40 degrees ही चलाया, 45 degrees ही चलाया नॉर्थ, ठीक है, नहीं, अब आपको पूरा, आपने क्या बोला, वो वन राइट, वन राइट का मतलब 90 degrees चलाना है, तो फाइनली वो कहाँ पर पहुँचेगा बताइए, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, करेक्ट। चलो, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, फिर से बता दें, चलो नॉर्थ वेस्ट का ग्राफ क्या बना था आपका, ये, ठीक। अगर किसी बच्चे ने इसको ये नॉर्थ का मान के आंसर दिया, क्या बेटा, नॉर्थ, तो उसका आंसर गलत था, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपने इसको केवल 45 degrees चलाया बेटा, ठीक है, एक्चुअल चलाना कितना था आपको, 90 degrees, तब बेटा फाइनली कहाँ पहुँचेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। 45 टू टाइम ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 90 degrees, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, करेक्ट। चलिए, समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो नॉर्थ ईस्ट, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फाइव नंबर आप देखिए क्या है, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट
आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति है जो कि ईस्ट में चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। एंड और वॉक कितना करता है, 70 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से बैठा हुआ एक राइट लेता है और वॉक कितना करता है, फिर से 70 मीटर करता है। आफ्टर इट ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट, फिर से बैठा हुआ एक राइट लेता है और राइट लेता है और वॉक कितना करता है, 30 मीटर। फाइनली अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर, फिर से वह राइट लेता है और 50 मीटर चलता है। अब पूछा क्या गया है आपसे, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। इतने सारे नखरे करने के बाद बेटा वह अब किस दिशा में वह चल रहा है, ये पूछा गया आपसे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। फोर राइट का मतलब क्या होता है, फोर राइट का कहने का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन, क्या सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब क्या, जीरो। बेटा ईस्ट का ईस्ट में ही रह गया बेचारा, घूमने का उसका पैसा बर्बाद चला गया, आया फाइनली वहीं पे जहां पे वो था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट पूर्व, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सिक्स नंबर, देखिए क्या दिया गया है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। चला दीजिए बेटा उत्तर, उत्तर कहने का मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, ऊपर लेंगे, ज़ूम करेंगे ना आप, उत्तर नॉर्थ। इसके बाद देखो क्या है, आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर, हाँ 150 मीटर, ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वह बेटा एक राइट लेता है, फिर वह बेटा एक राइट लेता है एंड वॉक कितना करता है, 80 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से बेटा वह एक राइट लेता है और फिर से वह राइट लेता है और वॉक कितना करता है, 90 मीटर। आफ्टर इट ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट, फिर से बेटा एक बार राइट लेता है, वन राइट फिर से लेता है एंड वॉक कितना करता है, 60 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह लेफ्ट लेता है और वॉक करता है 40 मीटर। नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, मुख की दिशा किस तरफ है उसकी। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है, तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, मुख की दिशा किस दिशा में, मुख की डायरेक्शन किस दिशा में। अब आपसे ये पूछा गया है, आपको भी पता है सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। देखिए ऐसे इसको और इजी वे में सॉल्व कीजिए, थ्री राइट का मतलब होता है बेटा वन लेफ्ट, करेक्ट। थ्री राइट का मतलब होता है वन लेफ्ट, वन लेफ्ट और वन लेफ्ट कितने हो गए, टू लेफ्ट, और टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। टू लेफ्ट का मतलब होता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन, जैसे टू लेफ्ट का मतलब हो गया टू राइट, और मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। बताइए बेटा नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर, दक्षिण। ऐसे बताइए नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ, करेक्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेवन नंबर देखिए आपको क्या दिया गया है, सेवन नंबर देखिए क्या दिया गया, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का ग्राफ बता दीजिए सबसे पहले कैसे बनेगा, नॉर्थ का मतलब बेटा ऊपर जा रहा है, ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो एक्चुअल इसका ग्राफ कैसे बनेगा, करेक्ट ग्राफ ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट, ये हो जाएगा आपका ग्राफ। इसके बाद देखो इसके बेटा क्या किया, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह बेटा एक लेफ्ट लेता है एंड वॉक्स 70 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह एक लेफ्ट लेता है एंड वॉक कितना, 70 मीटर, अगेन
इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से एक लेफ्ट लिया, वॉक किया 50 मीटर, फाइनली अंत में फाइनली ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से एक लेफ्ट लेता है और वॉक कितना करता है 60 मीटर। पूछा क्या गया है, नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, मुख की दिशा अब वह किस दिशा में है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, चला दिया इसके बाद, और फिर वह बाएं मुड़ता है फिर 70 मीटर चलता है, ठीक है, इसके बाद पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह 60 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है 60 मीटर चलता है, तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है। देखिए फोर लेफ्ट का कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब वैल्यू क्या होगी, जीरो। जहां था बेटा नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट में ही रह गया, उसके रुपए पैसा बर्बाद चले गए, ऐसा नहीं बर्बाद नहीं चले गए, उसने घूमा इसलिए, हाँ नॉर्थ ईस्ट का बेटा नॉर्थ ईस्ट में ही रह गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 8 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर टू वॉक टू वर्ड्स नॉर्थ। अच्छा ठीक है, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, जैसा कि दिया गया है उत्तर, उत्तर बाय डिफॉल्ट करने का मतलब क्या होता है आपका, ऊपर। चलिए एक व्यक्ति नॉर्थ, इसके बाद देखो क्या इसने किया, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर टू वर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक कितना करता है 50 मीटर। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है बेटा, कहां दाईं ओर, वन राइट लेता है, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, वहां से पुनः दाईं ओर मुड़ता है, वहां से पुनः फिर से वह बेटा राइट लेता है, मुड़कर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, इसके उपरांत फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर से वह बेटा दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, इसके बाद अब वह एक बाएं फिर से दाईं ओर मुड़ता है। देखिए क्या लिखा है, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 180 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉकिंग 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, एक राइट लिया एंड वॉकिंग 30 मीटर, आफ्टर इट्स ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से बेटा एक बार राइट लेता है और वॉक कितना करता है 40 मीटर, नाउ अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से बेटा एक बार राइट लेता है और 40 मीटर चलता है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह बेटा एक लेफ्ट लेता है, फिर वह एक लेफ्ट लेता है एंड वॉक कितना करता है 30 मीटर। नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। चलिए 3 राइट का मतलब बेटा क्या हो गया, वन लेफ्ट, कितना हो जाएगा 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट का मतलब होता है बेटा 2 राइट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ का अपोजिट होगा बेटा साउथ, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या दिया गया है, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर कहने का बाय डिफॉल्ट मतलब एरो का किधर चला जाएगा, नॉर्थ, ऊपर साइड नॉर्थ। इसके बाद आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टेक्स 300 टाइम्स राइट, मतलब कि क्या कहने का हुआ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार बेटा दाईं ओर मुड़ता है, अब 1, 2, 3, 4 बार नहीं, वो डायरेक्ट 300 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो लिख दीजिए 300 बार बेटा क्या 300 टेक्स 300 टाइम्स राइट, 300 बार बेटा वह राइट मुड़ता है एंड ईच टाइम ही वॉक्स 50 मीटर, और हर बार 50 मीटर चलता है, आफ्टर इट ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट, बेटा फिर वह 200 बार बेटा क्या
लेफ्ट मुड़ता है 200 बार क्या, फिर वह और हर बार 50 मीटर चलता है, इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, 200 बार बाईं ओर मुड़ा दिया, मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है, ठीक है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। इतनी बात समझ में आई, डरना नहीं है। जैसे कि आप वन लेफ्ट राइट कैंसिल कर रहे थे, उसी बेस में आपको इसमें भी कैंसिल करना है लेफ्ट राइट को, करेक्ट। ठीक है, 300 बार राइट को 200 बार लेफ्ट से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और 100 क्या आ जाएगा बेटा आपका राइट, करेक्ट। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट को आपको मैं कहने जा रहा हूँ, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्या नोट बना के लिख देना। जब कभी भी आपका लेफ्ट या राइट, जब कभी भी आपका लेफ्ट या राइट 100 से, सॉरी, जब कभी भी आपका लेफ्ट या राइट 4 से ज़्यादा आए, क्या मैंने कहा, जब कभी भी आपका लेफ्ट या राइट आंसर सॉल्व करने के बाद, ठीक है, जब आपका लेफ्ट या राइट 4 से ज़्यादा आए, तब आपको उसमें 4 से डिवाइड करना है। याद करिए, फर्स्ट क्लास में मैंने कहा था इसमें रिमाइंडर का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको बताएंगे, तो आज वो समय आ गया है वहाँ पे इसको बताने का, ठीक है। जब कभी भी लेफ्ट या राइट 4 से ज़्यादा आ जाएं, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 से इसी में डिवाइड कर देना है बेटा, ठीक है, नीचे कर लो 4 से, फिर इसमें डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद नोट्स आपको यहाँ पे लिखा दें, मैं नोट कर को, और आप सभी लोगों को लिख लेना ये नोट, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कभी भी लेफ्ट या राइट, जब कभी भी लेफ्ट या राइट 4 से मोर देन, ज़्यादा हो, ज़्यादा आए, तब आपको क्या करना है, 4 से, जब आपका लेफ्ट या राइट 4 से ज़्यादा आए, ठीक है, तब आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना बेटा, क्या डिवाइड करो। इसके बाद कहानी क्या होगी, जो बेटा रिमाइंडर निकल के आएगा, के बाद जो बेटा रिमाइंडर निकल के आएगा, रिमाइंडर जो निकल के आएगा बेटा आपका, या तो आपका 0 आ सकता है रिमाइंडर, ठीक है, या आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इससे ज्यादा आपका कभी भी रिमाइंडर बच नहीं सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका 0 आ गया, क्या मतलब होगा, सेम डायरेक्शन, 1 लेफ्ट आया या 1 राइट आया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे, 2 लेफ्ट या 2 राइट आया मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, 3 लेफ्ट या 3 राइट होगा, 3 लेफ्ट का मतलब हो गया 1 राइट, और 3 राइट का मतलब हो गया क्या बेटा, 1 लेफ्ट, ठीक है। रिमाइंडर आपका 0 से 3 के बीच में ही आएगा, ये आपको हाईलाइट करके एक नोट्स बना लेना है, याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, जब आप 100 4 से ज़्यादा आ रहा राइट ना, तो 4 को अब इससे 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी मेन डायरेक्शन जो होती है 4 होती है ना, तो 4 के मल्टीपल में, करेक्ट। चलो, तो जब आप बेटा इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 राइट। फिर से बेटा अगेन इसको 4 से आप जब डिवाइड करेंगे, कब तक, जब तक ये 4 से डिविजिबल है, जब आप फिर से अगेन इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 राइट, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आया ना आपका 1 राइट, तो 1 राइट, नॉर्थ का बेटा 1 राइट आप निकाल दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ का 1 राइट, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, तो कहाँ पर आ जाएंगे आप, ईस्ट में, पूर्व डायरेक्शन में ना, आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, करेक्ट, पूर्व। समझ में आया बेटा, फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं हम, ये एक व्यक्ति था जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था, 300 बार बेटा वह राइट मुड़ता है, 200 बार लेफ्ट मुड़ता है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 100 राइट आया। राइट क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा वैल्यू किसकी थी, राइट की, इस वजह से 100 राइट आया। इसके बाद जब कभी भी बेटा आपका, ये मैंने नोट्स लिखाया, जब कभी भी आपका लेफ्ट या राइट 4 से ज़्यादा आए, जब कभी भी आपका लेफ्ट या राइट 4 से ज़्यादा आए, तब आपको 4 से ही डिवाइड करना है। इसके बाद आपको जो रिमाइंडर निकल के आएगा, जो बचेगा, वो आपको 0 से 3 के बीच में ही मिलेगा, करेक्ट। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 25 राइट आया, फिर से आप, ये 4 से डिविजिबल है, फिर से आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1 राइट, और नॉर्थ का बेटा 1 राइट क्या होता है, ईस्ट, करेक्ट, ईस्ट।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बेटा 10 नंबर तक पर पहुंचे हम। अ पर्सन, एक पर्सन है ए, इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। हाँ, एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बेटा राइट मुड़ता है, सॉरी बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट, देख सकते हैं ना। वन पर्सन ए इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए नॉर्थ ईस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा। नॉर्थ का मतलब बेटा हो गया ऊपर जा रहा है, ईस्ट का मतलब होता है राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो इसका करेक्ट जो ग्राफ बनेगा बेटा क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का, ये नॉर्थ ईस्ट का ग्राफ, ये करेक्ट। ग्राफ की बात तो समझ में आई, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नॉर्थ ईस्ट लिख लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट, 200 बार बेटा वह 200 बार वह लेफ्ट मुड़ता है, एंड ईच टाइम हर बार वह फिर वह कितना वॉक करता है 40 मीटर। आफ्टर इट ही टेक्स 225 टाइम्स राइट, 225 बार बेटा वह 225 बार वह दाईं ओर मुड़ता है, 225 बार बेटा क्या वह राइट मुड़ता है, हर बार वह कितना चलता है फिर 40 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है बेटा ये पूछा गया है। देखिए उसी बेस में है या आपका क्वेश्चन, सबसे पहले आप लेफ्ट राइट जैसे कैंसिल कहते थे उसी बेस में आप इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या 200 लेफ्ट को 225 राइट से जब आप सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तब कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा ना, और 25 क्या आएगा लेफ्ट या राइट, जो संख्या आपकी बड़ी है कौन सी बड़ी है, राइट, करेक्ट। अभी आपको मैंने जस्ट नोट लिखाया पीछे स्लाइड पे, देखो ये आपको ये इसका फिर से आपको यूज करना है, जब कभी भी आपका लेफ्ट या राइट 4 से ज्यादा आ जाए तब आपको कुछ नहीं करना है, केवल 4 से डिवाइड करना है। जब आप 25 राइट को 4 से जब आप डिवाइड करेंगे बेटा, तो रिमाइंडर आपका जो आएगा निकल के कितना आ जाएगा 1, क्या आएगा वो भी राइट, 1 राइट। तो नॉर्थ ईस्ट का 1 राइट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का ग्राफ क्या था पहले तो आप मुझे ये बताइए, नॉर्थ का मतलब ऊपर जा रहा, ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड पे जा रहा, ये ग्राफ हो गया किसका, नॉर्थ ईस्ट का। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट से बेटा 1 राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर किसी बच्चे ने इसका ईस्ट आंसर दिया है तो बेटा वो रॉन्ग है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन कहने का मतलब आपने केवल इसको 45 डिग्री ही चलाया है और आपको चलना कितना है 1 राइट बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपको 45 डिग्री बेटा और चलना पड़ेगा ना, तभी तो 45 टू टाइम करके तब क्या हो जाएगा आपका 45 और 45 कितना हो जाएगा 90। तो फाइनली आप कहां पर पहुंचे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेटा ना, कहां पे पहुंचे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। आंसर नंबर कौन सा है, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका, दक्षिण पूर्व करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर देखिए क्या दिया गया आपको। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन सम डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 60 मीटर। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग सम डायरेक्शन, अब बेटा यहां से आपका टाइप 2 स्टार्ट हो जाता है, टाइप 1 बेटा होता है खत्म आपका, टाइप 2 यहां से स्टार्ट होता है, तो आप सभी लोग डाल लीजिए क्या बेटा टाइप सेकंड। देखिए इसमें क्या कंक्लूजन है आपको पहले ही मैं बता दूं, टाइप वन जो था वो पहले ही बता देता था क्या कि कोई व्यक्ति है नॉर्थ, या कोई डायरेक्शन पहले ही उसको गिवन थी कि इस दिशा में ये चल रहा है, इसके बाद वह लेफ्ट राइट कुछ मुड़ता था,
ठीक है, फाइनली पूछा जाता था कि अब वह किस डायरेक्शन में है, अब वह किस डायरेक्शन में, ये केस फर्स्ट का था, ठीक है केस फर्स्ट। अब आप पढ़ रहे हैं केस मतलब टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में क्या होगा बेटा, इसी का रिवर्स, मतलब आपको अब इनिशियल डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, लेफ्ट राइट कुछ मुड़ेगा, फाइनल वो पहुंच डायरेक्शन आपको गिवन होगी, मान लो आपको नॉर्थ, ठीक है, तब आपको इनिशियल डायरेक्शन पूछेगा, करेक्ट। टाइप फर्स्ट में क्या था, डायरेक्शन पहले ही देता था कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, फिर वह लेफ्ट राइट मुड़ा तो फाइनल डायरेक्शन पूछा था। अब टाइप सेकंड में क्या होगा बेटा, फाइनल डायरेक्शन आपको गिवन होगी और इनिशियल डायरेक्शन आपको पूछेगा, मतलब कि क्या, अंत वाला बिंदु आपको, अंत वाले बिंदु की डायरेक्शन आपको पता होगी और शुरुआती बिंदु की डायरेक्शन आपसे पूछेगा, करेक्ट। तो ये कुछ ये वाला टाइप है। देखिए, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है आपको नहीं पता, तो उस जगह पे क्या आ जाएगा बेटा आपका भी क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क, करेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वह बेटा एक राइट लेता है, एक राइट लिया, इसके बाद एंड वॉक्स 60 मीटर आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज राइट लेफ्ट, फिर वह बेटा क्या एक लेफ्ट लेता है एंड वॉक 50 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से बेटा वह वन राइट लेता है और वॉक कितना करता है 60 मीटर, आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट लेता है और वॉक कितना करता है 70 मीटर, फाइनली ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट लेता है और लेफ्ट लेने के बाद वॉक कितना करता है 60 मीटर। नाउ इफ ही इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, अब वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक पहुंच चुका है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब फाइनल सिचुएशन आपको गिवन करा दी उसने। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्टिंग टू वॉक, मतलब क्या, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज भी आप पढ़ लें एक बार, क्लियरिटी हो जाएगी, जैसे कि होता नहीं है, मैंने क्या कहा था कि ये जो आपके रीजनिंग है ना पूरा रियल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं, अब जा रहे हैं तो किसी को बता के गए ना कि मैं इस जगह से अब वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, इस जगह से वहाँ पे जाऊँगा, पर आपका मन हुआ वहाँ ना जाके कहीं और चले गए, मतलब क्या, आपने ये बता दिया कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ इस बिंदु से, मतलब इस डायरेक्शन से या इस जगह से कहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप अपने राजा हैं आप खुद के, ठीक है, अब आप कहीं भी जा सकते हैं ना। फिर आपने सेकंड सिचुएशन में आप क्या पढ़ रहे हैं टाइप टू में, कि आपको अभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, आपने उससे कहा कि आप भाई मुझे वहाँ पे आके मिलना किसी पॉइंट में, ठीक है, मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट जहाँ पे अभी हैं वहाँ पे आप उस जगह की आपने डायरेक्शन नहीं बताई है ना, और फाइनल जहाँ आप उससे मिलने जा रहे हैं वहाँ पे आपने उसका क्लू वर्ड बताया, ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से आपका ये है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है 120 मीटर, किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है बेटा नहीं पता, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, इनिशियल डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु की दिशा अभी आपको नहीं पता है ना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर बेटा मुड़ता है, ठीक है, मुड़ता है और 50-60 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 60 मीटर चलता है, इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, करेक्ट, अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर हो, हाँ इतना सब चलने के बाद अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर पढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, मतलब क्या शुरुआती बिंदु में चलना कहाँ से प्रारंभ किया था, ये आपसे पूछा गया है। फाइनल डायरेक्शन देके इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछ ली गई। सॉल्व करने का तरीका पहले तो आपका बेटा वही रहेगा, क्या लेफ्ट राइट को आपस में कैंसिल करिए, वन राइट से वन लेफ्ट कैंसिल, वन राइट से वन लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या आपका बेटा लेफ्ट,
अब बेटा आप याद कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप फाइनल डायरेक्शन से जब इनिशियल डायरेक्शन में जा रहे हैं, फाइनल डायरेक्शन जब इनिशियल डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, तब आपको यहाँ पे, तब आपको जब आप फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन में जा रहे हैं तब आपको क्या करना है, जो आपका लेफ्ट या राइट बचा है जस्ट उसका पहले तो आप अपोजिट कीजिए, क्या अपोजिट, ठीक है अपोजिट करिए। इसके बाद सबसे पहले मैं क्या कहा, लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद फाइनल डायरेक्शन से जब इनिशियल डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जो आपका लेफ्ट राइट आया सबसे पहले तो आप उसको अपोजिट कर दो। इसके बाद अपोजिट करने के बाद तो लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। अब इसी राइट को बेस मानते हुए नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन आप पता लगा सकते हैं इससे स्टार्टिंग पॉइंट का, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का बेटा, नॉर्थ ईस्ट का वन राइट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, नॉर्थ का मतलब ऊपर, ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड पे जा रहा है, और इसका बेटा वन राइट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। समझ में आया बेटा, फिर से रिपीट कर दें, जब आप फाइनल डायरेक्शन से बेटा, जब इनिशियल डायरेक्शन में आप जाएंगे, जब आप फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन में जाएंगे तो सब कट होने के बाद जो आपका लेफ्ट या राइट बचा जस्ट आप उसी का अपोजिट कर दीजिए, जस्ट आप उसी का अपोजिट कर दीजिए। इसके बाद अब आप यहां से एक्यूरेट इनिशियल पॉइंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का वन राइट क्या हो जाएगा बेटा, साउथ ईस्ट, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 12 नंबर देखिए आपको क्या दिया गया है। 12 नंबर, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक 20 मीटर। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा किस दिशा में चल रहा है, सीधा आपको नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। चलिए इसके बाद सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट, सीधा चला 80 मीटर एंड वॉक्स 20 मीटर आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। हाँ पढ़ लेते हैं सही से एकदम, बिल्कुल इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। चलो हिंदी लैंग्वेज से आपको बता देते हैं, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद, सीधा चल रहा है किस डायरेक्शन में चल रहा है आपको नहीं बताया गया है तो क्वेश्चन मार्क, चलने के बाद अपनी दाईं ओर बेटा मुड़ता है, कहां पे मुड़ता है, दाईं ओर राइट। इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर मुड़ता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और बाई ओर मुड़कर मुड़ता है, फिर से वह बेटा क्या, बाई ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और 50 मीटर दूरी तय करता है, अंत में वह बाई ओर मुड़ता है, फिर से बेटा वह बाई ओर मुड़ता है और बाई ओर मुड़ता है और 40 मीटर दूरी चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर पड़ रहा है, यदि व्यक्ति साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ रहा है, कहाँ बेटा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तब बताइए आप डायरेक्शन में मुड़ रहा है, देन इन विच डायरेक्शन इज डिड ही स्टार्ट टू वॉक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की स्थिति आपसे पूछ रहा है, फाइनल डायरेक्शन की स्थिति देके स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले आप देखिए यहां से, तीन लेफ्ट का मतलब होता है बेटा वन राइट और वन राइट ऊपर वन राइट नीचे कितना हो जाएगा टू राइट का मतलब होता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन। टू राइट का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो आराम से इसको सॉल्व करिए, तीन लेफ्ट का मतलब होता है वन राइट। इसके बाद वन राइट और वन राइट, ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा टू राइट। और बेटा अब आप यहाँ पे याद की ध्यान दीजिए कि आपसे फाइनल गिवन तो नहीं है, फाइनल डायरेक्शन तो नहीं गिवन है,
सॉरी इनिशियल डायरेक्शन गिवन नहीं है, फाइनल डायरेक्शन गिवन है। अब जब आप फाइनल डायरेक्शन से जब रिवर्स आप जाएंगे, जब आप रिवर्स जाएंगे तब आपको मैंने क्या बताया था, जो आपका लेफ्ट या राइट आया सबसे पहले आप उसको उल्टा कीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आया यहाँ पे, टू राइट, टू राइट को पहले तो आप अपोजिट कीजिए, क्या अपोजिट कीजिए, तो टू राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, टू लेफ्ट। अब आप आंसर दे सकते हैं एक्यूरेट, टू लेफ्ट, और टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ का मतलब होता है बेटा नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट होता है बेटा ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट। कौन सा नंबर, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट 13 नंबर देखिए आपको क्या दिया गया है, इफ अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, ठीक है, मतलब सीधा चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है अभी आपको नहीं पता है। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, एक यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाई ओर मुड़ता है, सीधा चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है बेटा अभी आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद सीधा चलने के बाद अपने दाई ओर मुड़ता है, ठीक है, राइट लेता है, दाई ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी दाई ओर मुड़ता है, फिर से बेटा अगेन वह दाई ओर मुड़ता है, दाई ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाई ओर मुड़ता है, फिर वह बेटा वन लेफ्ट लेता है, मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू प्रारंभ किया था, यह आपसे पूछा गया है। इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछा गया, स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन सॉल्व कर लेंगे बहुत जल्दी से। देखिए वन राइट से वन लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब जब बेटा फाइनल डायरेक्शन से जब इनिशियल डायरेक्शन में आप जाते हैं तो आपको पता ही है, जो आपका लेफ्ट या राइट बचा है जस्ट पहले आप उसका अपोजिट कीजिए, पहले राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, पहले तो इसको अपोजिट करना है, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट, तो नॉर्थ का वन लेफ्ट, कहने का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। नॉर्थ का वन लेफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। देख लीजिए नॉर्थ कहने का मतलब एरो आपका क्या डायरेक्ट ऊपर सीधा जाएगा, और नॉर्थ से वन लेफ्ट 90 डिग्री जब आप वन लेफ्ट लेंगे तो फाइनली आप कहाँ पहुँचेंगे, वेस्ट। तो इनिशियल डायरेक्शन की आपकी डायरेक्शन क्या आ गई, इनिशियल पॉइंट की डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, वेस्ट, हाँ ये आपका नॉर्थ, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अ पर्सन स्टेट वॉकिंग इन सम डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर स्ट्रेट, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है अभी आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क। इसके बाद चलता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ता है, वह 80 मीटर चलता है, ठीक है, 200 मीटर बाईं ओर चलने के 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है। देखिए अ पर्सन स्टार्टिंग वॉकिंग इन सम डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर स्ट्रेट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉकिंग 80 मीटर आफ्टर इट ही टेक्स कॉन्जिक्यूटिव 4 राइट, फिर वह लगातार 4 बार क्या राइट लेता है, 4 बार फिर से जैसे कि निरंतर 4 बार वह दाईं ओर मुड़ता है, चला दिया, और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है, वॉक कितना करता है 50 मीटर,
इफ द पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, अब वह फाइनली कहां पहुंचा, नॉर्थ, क्या हो जाएगा नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, फाइनल डायरेक्शन देख के इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करने का फंडा आपको पता ही है, फोर राइट का बेटा मतलब हो गया सेम डायरेक्शन, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जीरो, बचा क्या आपका ओनली लेफ्ट, तो सबसे पहले इस लेफ्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट, क्या अपोजिट, तो वन लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा राइट, वन राइट, और नॉर्थ का बेटा वन राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का मतलब आप ऊपर जा रहे हैं, नॉर्थ का वन राइट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन आपकी हो जाएगी, क्या ईस्ट, ये आपका क्या है नॉर्थ, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ईस्ट कहां पे आपका, ऑप्शन नंबर ए पूर्व, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आपका यहां से थर्ड टाइप स्टार्ट होता है बेटा, क्या टाइप, थर्ड, और इस टाइप थर्ड की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में, अभी आपने टाइप टू तक जितना भी पढ़ा है सारा कुछ आपको रिवाइज करके आना है, सारा कुछ आपको रिवाइज करके आना है, और जो आपका ये बेटा टाइप थर्ड है ना, ये टाइप थर्ड आपका है टाइप टू और वन का कंक्लूजन, दोनों मिक्सर हैं, टाइप वन और टाइप टू दोनों मिक्स हैं, ठीक है, तो टाइप थ्री की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी जितना अभी आपने पढ़ा है ठीक है, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते रहिएगा, टाइप थर्ड की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, बाकी आप सभी बच्चों से अनुरोध है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री यूट्यूब में क्लासेस मिल रही हैं, तो आपके साथ साथ उन बच्चों तक भी क्लास पहुंचे, हाँ जो मध्यम परिवार से हैं, ठीक है, आपके साथ साथ उनको भी तो लाभ उठाना चाहिए, हाँ तभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को वो भी एनालिसिस अच्छे से पढ़ पाएँ, सिलेबस को समझ पाएँ, हाँ ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।